चैनल बिंदास कुकिंग विद रितु में बहुत बहुत स्वागत है। बाजरे की खिचड़ी और साथ में मसालेदार लहसुन वाली कड़ी राजस्थान में एक बहुत फेमस डिश है। आप भी अपने घर में इसको एक बार ट्राई कीजिए। आपको सर्दियों में इसको बनाने में भी मज़ा आएगा और खाने में भी। जो सामान इसके लिए हमें चाहिए वो केवल 1 कप बाजरा और बिल्कुल 1/4 कप मैंने चावल लिए हैं। आप चाहें तो चावल स्किप भी कर सकते हैं, पर चावल से थोड़ा खिचड़ी का टेस्ट बढ़ जाता है। अब हम बाजरे को हल्का सा मिक्सी में चला के कूट लेंगे ताकि इसका छिलका जो है वो अलग हो जाए। उसके बाद हम इसे अच्छी तरह से धोकर 1 घंटे के लिए भिगो देंगे। 1 घंटे तक भीगने के बाद बाजरा और चावल दोनों अच्छी तरह से फूल जाएंगे। अब हम एक प्रेशर कुकर के अंदर ये बाजरा और चावल डालेंगे। 1 कप बाजरे के हिसाब से हमें लगभग 4 कप पानी डालना है, लेकिन पहले हम 2 ही कप पानी डालेंगे। उसके बाद कुकर खोल के हम 2 कप पानी बाद में और डाल देंगे, क्योंकि बाजरा काफ़ी फूलता है। हम इसमें 1/2 चम्मच हल्दी, 1/2 चम्मच नमक और 1/2 चम्मच के लगभग अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट डाल देंगे। अदरक हरी मिर्च पूरी तरह ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो बाद में तड़के में भी डाल सकते हैं। इस तरह से अब हम कुकर को बंद करके गैस पर रख देंगे और 3-4 सीटी होने के बाद गैस को हम हल्का कर देंगे। 5 मिनट तक हल्की गैस पर पकाने के बाद हम इसको ठंडा कर लेंगे और जब हम खोल कर देखेंगे तो ये देखिए बहुत ही अच्छी बाजरा जो है बहुत अच्छी तरह से पक कर तैयार है। अब हम इसमें तड़का लगाएंगे। बाजरे की खिचड़ी बनाना सबसे आसान काम है। फ्राइंग पैन भी मैंने 1 करछी के लगभग घी लिया है। आप चाहें तो थोड़ा ज़्यादा भी ले सकते हैं, क्योंकि खिचड़ी और घी का बहुत अच्छा रिलेशनशिप होता है। बहुत ही अच्छी खिचड़ी बनती है अगर उसे घी में तड़का लगाया जाए। 1 टीस्पून हम इसके अंदर जीरा डाल देंगे, 1/2 टीस्पून हींग डाल देंगे। अब हम इसके अंदर मैंने ये हरी वाली लहसुन है इसे मैंने बारीक काट लिया था। आपको अगर ना मिले तो आप नॉर्मल लहसुन भी डाल सकते हैं। मैंने दोनों लहसुन का इस्तेमाल किया है। अदरक और हरी मिर्च हमने पहले से ही डाल दिए थे। बस अच्छी तरह से जब लहसुन भुन जाएगी तब हम इसके अंदर 2-3 लाल मिर्च डाल देंगे तड़के के लिए। अब हम इसमें 1 टीस्पून के लगभग देगी लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे, जिससे खिचड़ी में बहुत ही अच्छा और कलर आ जाएगा। ये ज़्यादा तीखी नहीं होती है। अगर आप सबको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अब जो खिचड़ी हमने तैयार की थी बॉयल करके वो हम इसके अंदर मिला देंगे। हमारी बहुत ही अच्छी बाजरे की खिचड़ी बनकर तैयार है। आप चाहें तो ऊपर से हरा धनिया या मेथी कुछ भी चीज़ डाल सकते हैं, क्योंकि दोनों चीज़ों का मौसम है और दोनों ही चीज़ें बहुत अच्छी आ रही हैं। मैंने बारीक कटा हुआ हरा धनिया जो है वो इसके ऊपर अच्छी तरह से गार्निशिंग के लिए डाल दिया है। आप चाहें तो इस खिचड़ी को इसी तरह खा सकते हैं। इसके साथ हमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आज हम इसके साथ बनाएंगे प्याज वाले पकौड़े की कड़ी। कड़ी और बाजरे का अपना अलग ही टेस्ट आता है। दोनों चीज़ों को मिलाकर खाने में बहुत अच्छा लगता है और किसी किसी क्यूजाइन के अंदर या राजस्थान के अंदर अक्सर घरों के अंदर ये बनाया जाता है। बस इस तरह से थोड़ा सा तड़का हम इसके ऊपर से डाल देंगे और हमारी बहुत ही अच्छी बाजरे की खिचड़ी बनकर तैयार है। अब हम पकौड़े वाली कड़ी की तैयारी करेंगे। आज हम प्याज के पकौड़े और साथ में लहसुन वाली कड़ी बनाएंगे। इसके लिए मैंने 3/4 कप के लगभग बेसन, इसे अच्छी तरह से हम छान लेंगे ताकि इसमें कोई गुठलियाँ ना रह जाएँ। 1/2 टीस्पून लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून हल्दी डाल देंगे, 1/2 टीस्पून जीरा डाल देंगे, 1/2 टीस्पून अजवाइन डाल देंगे। अजवाइन डालने से अच्छी तरह डाइजेस्टिबल हो जाएगी। 1 टीस्पून हम इसमें नमक डाल देंगे, 1/4 टीस्पून हम इसमें हींग डाल देंगे। साथ में हम 1 टीस्पून अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट और 1 चम्मच हम इसमें लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। साथ में हम 2 से 3 मीडियम काटी हुई प्याज जो हैं उनको हम अच्छी तरह से इसमें डाल देंगे। मैंने इसमें 1 चम्मच हरे धनिए की डंडियाँ भी बारीक काट के डाली हैं, इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। साथ में 2 चम्मच हरा धनिया, 2 चम्मच हम इसके अंदर दही डाल देंगे। सामान का सारा डिस्क्रिप्शन में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिख दूंगी, आप वहाँ से जाकर चेक कर सकते हैं। सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिलाने के बाद हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी डालने कर इसका एक बिल्कुल सेमी सॉफ्ट बैटर तैयार करेंगे। हमें इसे बिल्कुल ना तो पतला बनाना है और ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा, बस इस तरह का हमें चाहिए ताकि हम इसके पकौड़े आराम से बना सकें। अगर इसे पतला हम इसको रखेंगे तो पकौड़े जो हैं तेल में जाकर फैल जाएंगे। तेल को हम अच्छी तरह से तेज गर्म कर लेंगे और पकौड़े को एक एक करके हाथ से इस तरह डालते जाएंगे। आप चाहें तो चम्मच से भी डाल सकते हैं, मैं अभी आपको चम्मच से डालकर दिखाऊंगी। शुरू में 2-3 मिनट तक हमें इन्हें छेड़ना नहीं है। 2-3 मिनट के बाद ये झाग हल्के से कम होने लगेंगे और पकौड़े अपने आप ही तैरकर ऊपर की तरफ आने लगेंगे। इसका मतलब वो सिकना स्टार्ट हुए हैं। अब हम गैस का फ्लेम बिल्कुल मीडियम कर देंगे और इन्हें अच्छी तरह से कुरकुरे होने तक सेक लेंगे। ये पकौड़े इतने चटपटे और मज़ेदार बनेंगे कि आपको ज़्यादा ही बनाने पड़ेंगे, क्योंकि आधे से ज़्यादा पकौड़े तो आपके घर में ऐसे ही खाए जाएंगे, आपको उन्हें कड़ी में डालने के लिए मिलेंगे ही नहीं।
जब ये अच्छी तरह से गोल्डन हो जाएंगे तब हम इन्हें आराम से प्लेट के अंदर निकाल लेंगे। अब पकौड़े हमारे बन चुके हैं, अभी मैं आपको चम्मच से डालकर दिखाती हूँ। इसी तरह से आप चाहें तो चम्मच से भी पकौड़े आराम से डाल सकते हैं, जिस तरह आपको कंफर्टेबल लगे आप उस तरह बना सकते हैं। इस तरह सारे पकौड़े तलने के बाद अब हम कढ़ी की तैयारी करेंगे। इसके लिए मैंने एक कटोरी दही लिया है, ये 2 दिन पुराना दही है, थोड़ा सा खट्टा है, तो हमें इसमें अमचूर डालने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। 2.5 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर बेसन डाल दिया है, 1/2 टीस्पून हम इसमें हल्दी डाल देंगे, 1/2 टीस्पून इसमें हम भुना जीरा पाउडर और 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर डाल देंगे, 1 टीस्पून मैंने इसमें देगी लाल मिर्च पाउडर डाला है, 1 चम्मच अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट डाला है। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका पहले एक गाढ़ा बैटर बनाएंगे। एक साथ ज़्यादा पानी डाल देने से हमें इसमें थोड़े लम्स पड़ जाएंगे, तो वो थोड़ा बस उसको विस्क ज़्यादा करना पड़ेगा, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इनकेस अगर आपसे पानी शुरू में ज़्यादा डल भी जाए तो आप उसे बस अच्छे से विस्क कर लीजिए, बेसन जो है वो अच्छी तरह से दही में घुल जाएगा। मैंने इसके अंदर अभी टोटल 2 कप के लगभग पानी डाला है, अभी हम इसके अंदर 2 से 3 कप पानी जब हम इसे तड़के में डाल देंगे तब और डाल सकते हैं। अब हम कढ़ाई के अंदर सरसों का तेल अच्छी तरह गर्म करेंगे। कड़ी सरसों के तेल में बहुत ही स्वाद बनती है, आप चाहें तो रिफाइंड या देसी घी भी बना सकते हैं। 1 टीस्पून जीरा डाल देंगे, 1 टीस्पून मेथी दाना डाल देंगे, 1/2 टीस्पून हम इसमें हींग पाउडर डाल देंगे, 3-4 लौंग, 3-4 काली मिर्च और 2 कड़ी पत्ते डाल देंगे, 1 हरी मिर्च मैंने बीच में से काट कर डाल दी है, साथ में हम थोड़ा सा हरी वाली कड़ी पत्ते डाल देंगे, 1 टेबल स्पून हम इसके अंदर अदरक और लहसुन का पेस्ट और 1 टीस्पून ही मैं इसके अंदर हरी मिर्च का पेस्ट डाल दूँगी। इस तरह से बहुत ही चटपटी और करारी कड़ी बनकर तैयार होगी। अच्छी तरह भूनने के बाद जो हमने पतला बैटर बना के रखा था वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसे लगातार अच्छी तरह चलाएंगे। हमें इसे लगातार चलाना है जब तक कि इसमें उबाल ना आ जाए, और इसमें हमें नमक अभी नहीं डालना है, क्योंकि नमक डालने से और इसमें दही है तो कभी कभी दही फट जाता है, तो पहले हम इसमें अच्छी तरह से उबाल आने देंगे। मैंने इसमें 2 कप के लगभग पानी और डाल दिया है। जब इसमें अच्छी तरह उबाल आने लगेगा तब हम इसके अंदर टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे, वैसे मैंने 1 टीस्पून नमक डाला है। अब हम इसे 5-7 मिनट तक अच्छी तरह उबलने देंगे। जब ये अच्छी तरह उबल जाएगी और हल्की सी गाढ़ी होने लगेगी तब जो हमने पकौड़े तैयार करके रखे थे वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। पकौड़े डालने के बाद हम इसे अच्छी तरह चलाएंगे और ढककर 15 से 20 मिनट तक हम इसे पकने देंगे। ढककर पकाने का फ़ायदा ये होगा कि इसके अंदर जो ऑयल है, कड़ी अच्छे से पक भी जाएगी और जो ऑयल रिलीज़ होगा वो ऊपर की तरफ आ जाएगा, जिससे हमें पता लगेगा कि कड़ी अच्छी तरह से पक गई है। ये देखिए कितनी अच्छी कड़ी बनकर तैयार है, बेसन के पकौड़े वाली, जिसमें हमने बहुत सारी प्याज और लहसुन का इस्तेमाल किया है, जिससे इसका टेस्ट भी बढ़ जाएगा और लहसुन डालने के कारण इसकी जो स्वाद तो बढ़ेगा ही, साथ में ये नुकसान भी नहीं देगी, काफ़ी हेल्दी बनकर तैयार होगी। अब हम इसके अंदर खूब सारा हरा धनिया डाल देंगे, आप चाहें तो इसमें भी पालक के पत्ते या मेथी कोई भी चीज़ डाल सकते हैं। अब हम देसी घी के अंदर इसका तड़का बनाएंगे, उसकी वीडियो में से स्किप हो गई है। मैंने 2 टेबलस्पून देसी घी के अंदर 1/2 टीस्पून जीरा, 1/4 टीस्पून हींग, 1 टीस्पून देगी लाल मिर्च पाउडर और 2 सूखी लाल मिर्चें डालकर तड़का तैयार किया है। साथ में मैंने 1 बड़ा चम्मच बारीक काटा हुआ गार्लिक भी इसमें ऐड किया था। इस तरह से ये हमारा लंच के लिए या डिनर के लिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, जो खाने में सबको स्वाद भी लगेगा, चटपटा और करारा भी होगा और सेहतमंद भी होगा। बाजरा जो है सर्दियों में खाना बहुत अच्छा होता है, काफ़ी गर्म होता है और सेहत के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद भी होता है। इसी तरह बेसन जो होता है वो भी हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। अब हम थोड़ा सा जो गार्लिक वाला तड़का था उससे ऊपर से इसे गार्निश कर देंगे और हरे धनिए से। इस तरह हमारा एक बहुत ही अच्छा डिनर का या लंच का ऑप्शन तैयार है। अगर आप सबको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। ये देखिए आपको देखने से ही बहुत अच्छी दोनों चीज़ें लग रही होंगी, खाने में भी बहुत स्वाद है। खाने के लिए हमें जैसे इस तरह से एक करछी जो है वो हमें खिचड़ी डालनी है, साथ में हमें कढ़ी डालनी है, आप चाहें तो पापड़ या सलाद ले सकते हैं, वैसे किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये काफ़ी चटपटा बना हुआ है। नमक और मिर्च आप थोड़े टेस्ट के अकॉर्डिंग अपने एडजस्ट कर सकते हैं। आप सबका मेरी वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। प्लीज़ सब्सक्राइब।